एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, फिफ्थ क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आज एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ चैप्टर नंबर फिफ्थ का। क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट जितना भी है आज इस वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। मैम के साथ साथ में ही मोबाइल अपना सेट कर दीजिए, मैम के साथ साथ ही लिखना शुरू कर दीजिए और अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्कूल आने से पहले आपको अपना कॉपी वर्क पूरा कंप्लीट रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है वो भी लिख लेंगे। व्हाट इज़ द नेम फॉर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। राइट डाउन दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द नेम फॉर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। नाउ राइट डाउन दी आंसर नंबर फर्स्ट, आपके स्क्रीन पे ही है। जिनके पास बुक नहीं वो भी कंप्लीट कर लीजिए। और जब आप स्कूल आएंगे तो आपका चैप्टर नंबर फिफ्थ तक का सारा चीज़ें कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। राइट डाउन दी आंसर नंबर फर्स्ट। माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज is called pathogens. Now write down the question number 2. Name the insect that carries germs on its body. The correct answer is mosquito. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the question number 3. Which mosquito carries the germs of malaria? Spelling आप लोग सही लिखिएगा, सारे बच्चे spelling सही लिखेंगे। Which mosquito carries the germs of malaria? Write down the answer. Female Anopheles mosquito. Write down the answer. Female Anopheles mosquito. Spelling सही लिखिएगा आप लोग। Now write down the question number 4. इसको complete कर लीजिए, अपने सामने video on करिए और देखते हुए अपना वर्क complete कर लीजिए आप लोग। Now write down the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 लिख दीजिए। नेम द डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स। नेम द डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर क्लीनिंग फ्लोर्स। मैम ने आपको पढ़ाते जब एक्सप्लेन कर रही थी चैप्टर पूरा चीज़ बताया था। आपको जिस भी चैप्टर में कंफ्यूजन हो आपको यूट्यूब में जाके देख लीजिए अपने चैनल पे साइंस के। आंसर है फैनल, फिनाइल। इसको हम क्या करते हैं, पानी में डाल लेते हैं फिर पोछा लगाते हैं तो क्या होता है, सारे जर्म्स किल हो जाते हैं। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट शुड बी फिक्स इन द विंडोज टू कीप अवे मॉस्किटोज। What should be fixed in the windows to keep away mosquitoes? Write down the answer. Number 5, wire net. Copy complete कर लीजिए with correct spelling. Spelling एक भी mistake नहीं करेंगे आप लोग।
नाउ राइट डाउन दी नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे हम. आंसर इन वन और टू लाइन्स. नेक्स्ट पार्ट आंसर इन वन और टू लाइन्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज. Write down the answer number first. Each infectious disease has its own specific sign and symptoms. हर disease के अपने अलग अलग sign and symptoms होते हैं. General sign and symptoms are कौन कौन से generally आ जाते हैं हमें. Fever, cough. इतना लिख लीजिए. नीचे दिए हुए general symptoms क्या क्या हैं. Symptoms मतलब लक्षण, किसी भी बीमारी के लक्षण. फीवर, मसल एक, कफ एक्सेट्रा. Now write down the next question. Question number टू. Spelling सही लिखिएगा सब लोग. स्क्रीन पे देख के स्पेलिंग एकदम सही सही लिख के लाना है. बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. Now write down the question number टू. Write few symptoms of a person suffering from chicken pox. आपके स्क्रीन पे है, लिख लीजिए. Write few symptoms of a person suffering from chicken pox. Write down the answer number two. There will be rashes on that person body, face and neck. There will be rashes on that person body, face and neck. Now write down the question number three. Question number three लिख लीजिए. How do tiny germs disturb the normal functioning of the body? How do tiny germs disturb the normal function of body? Write down the answer number three. When germs enter the body of a healthy person through infected food, water, air. When germs enter the body of a person through infected food, water, air. Now write down the next question. Write down the next question, question number 4.
राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डस वन कवर हिज और हर माउथ व्हाइल इज स्नीजिंग. Why does one cover his or her mouth while sneezing? Write down the answer number 4. If he does not cover his mouth, if he does not cover his mouth, the germs causing cold will be released into air, and a healthy person who is standing close by may get infected. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the next question. Question number 5 आपके स्क्रीन पे आ गया है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज स्टैग्नेंट वाटर हार्मफुल. हाउ इज स्टैग्नेंट वाटर हार्मफुल. राइट डाउन द आंसर नंबर 5. हमारे लिए एक जगह पे इकट्ठा क्या हुआ पानी हार्मफुल क्यों होता है. आंसर लिख लीजिए आप लोग. नेवर अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर नियर योर हाउस. नेवर अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट एनीवेयर नियर हाउस as it is an ideal breeding place for mosquitoes. Never allow water to stagnate anywhere near your house as it is an ideal breeding place for mosquitoes. Now write down the long answer question. Answer in 30-40 words. Answer in 30-40 words. Question number 1. आपके स्क्रीन पे लिख लीजिए. Define disease. Name a common disease and its
सेवन टर्म्स Write down the answer. Disease is a state of discomfort in which the normal functioning of the body is disturbed. Disease is a state of discomfort in which the normal functioning of the body is disturbed. नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर टू लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर टू लिख लीजिए. व्हाट कॉजेज अ कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ इट इज स्प्रेड. व्हाट कॉजेज अ कम्युनिकेबल डिजीज, हाउ डज इट स्प्रेड. Write down the answer. Communicable disease is caused by a very tiny organism called germs. It spreads through. Communicable disease is caused by a very tiny organisms called germs. It is spread through food and water. Through air, insects. Food and water through air and insects. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर थ्री. आपके स्क्रीन पे है. जिसके पास बुक नहीं है वो ऐसे कॉपी में लिखते जाएंगे. व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज, मेंशन एटलीस्ट फाइव मेजर. व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज, मेंशन एटलीस्ट फाइव मेजर्स. Write down the answer number 3. Point number 1. Cover your nose and mouth with handkerchief. Cover your nose and mouth with handkerchief. Point number 2. Make sure that your food is cooked hygienically. Now write down the point number 3. Vegetables and fruits are properly washed.
वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर प्रॉपरली वॉश्ड. राइट ऑन द पॉइंट नंबर 4, यूज फिल्टर और बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. यूज फिल्टर और बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. Now write down the next question, question number 4. सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए. व्हाट आर प्रिवेंटिव मेजर्स शुड यू टेक इफ यू गेट कोल्ड एंड कफ. आप लोग के स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुलते हैं तो आप लोग स्कूल में क्या करेंगे, अपना वर्क कंप्लीट करके आएंगे, पूरा चैप्टर नंबर 6 तक पूरा वर्क कॉपी में कंप्लीट रखेंगे. अपने साइंस के चैनल से कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए. व्हाट आर प्रिवेंटिव मेजर्स शुड यू टेक इफ यू गेट कोल्ड एंड कफ. Now write down the answer number 5. Cover your nose and mouth with handkerchief. Drink boiled water. Avoid eating roadside food stall. Keep household surface clean. Avoid touching your face. तो आप लोग स्कूल आएंगे, मास्क लगाएंगे तो अपना फेस टच मत करिएगा, ठीक है, और डिस्टेंस बना के रखिएगा. कोई भी चीज़ शेयर नहीं करेंगे आप लोग, अपना खाना शेयर नहीं करेंगे, वाटर शेयर नहीं करेंगे, कोई भी स्टेशनरी सामान शेयर नहीं करेंगे, बुक कॉपी पेंसिल किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है. अपनी सीट पे बैठना है और मास्क को लगाए रहना है. तो इन सारी बातों को हम ध्यान रखेंगे जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें. सो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. इसके पहले मैम ने वीडियो सारे डाल दिए हैं, सभी वीडियो आपके साइंस के चैनल पे प्रेजेंट है. आप क्या करिए, देख लीजिए उन सभी वीडियो, सभी वीडियो को देख लीजिए, आपके साइंस के चैनल पे एडेड हैं. एंड सेकेंड थिंग ये कि आप लोग चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 की सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है. इतनी चीज़ें कंप्लीट करके रखेंगे कॉपी में अपने जब स्कूल आएंगे. सो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है.